हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, काफ़ी चीज़ें हमने डेटा स्ट्रक्चर में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं हम, और जो जो एरिया है जहाँ पर क्वेश्चन जनरली आते हैं वो भी हम सब डिस्कशन कर चुके हैं, और क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस तरह से आएंगे, वो हम उसके लिए अलग एक क्वेश्चन सीरीज एग्जाम से पहले चलाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, और उन क्वेश्चन के थ्रू भी हम जो कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट रह जाएंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक लेकर आए हैं ईआर मॉडल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए, बेसिकली ईआर मॉडल का मतलब क्या है? इसमें दो टर्म है, ई और आर। ई मीन्स एंटिटी और आर मीन्स रिलेशन, इसीलिए इस मॉडल को ईआर मॉडल कहा जाता है। ये हाई लेवल डेटा मॉडल है और ये डेटा एलिमेंट और उसका रिलेशनशिप एक स्पेसिफाइड सिस्टम के लिए डिफाइन कर। ठीक है दोस्तों, जब हमने डेटा मॉडल देखे थे वहाँ पर भी हमने ईआर मॉडल की चर्चा की थी। अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप पिछले वीडियोस भी थोड़ा देख सकते हैं, वहाँ बहुत बेसिक चीज़ें हमने डिस्कशन की थी। अब उसी में ईआर मॉडल को थोड़ा सा और डिस्कशन हम करेंगे। इट डेवलप्स अ कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन फॉर द डेटाबेस। इट ऑल्सो डेवलप्स वेरी सिंपल एंड ईजी डिज़ाइन व्यू ऑफ डेटा। इन ईआर मॉडलिंग डेटाबेस स्ट्रक्चर इज पोर्ट्रेड एज अ डायग्राम कॉल्ड एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके दोस्तों, यहाँ पर जो पोर्ट्रेट है वो ईआर एक डायग्राम के थ्रू होगा, वो भी हम समझेंगे किस तरह से है। अब एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज वी डिज़ाइन अ स्कूल डेटाबेस। इन दिस डेटाबेस द स्टूडेंट्स विल बी एन एंटिटी विद एट्रीब्यूट्स लाइक एड्रेस, नेम, एज, आईडी। द एड्रेस कैन बी अनदर एंटिटी with attributes like city, street, name, pin code, and there will be a relationship between them. ठीक है दोस्तों, तो पहले एक समझे, एक होगा entity, इसको हमने कहा student, उसके कुछ होंगे हमारे attributes। ठीक है, जैसे attributes में आ गया उसका address, नेम का, आईडी का, एज, इस तरह की चीज़ें हमारी आ गई। ठीक है, और एक एक एंटिटी अपने आप में करंट एड्रेस भी हो सकती है। अगर एंटिटी एड्रेस है तो इसमें क्या क्या आ सकता है? सिटी नेम, स्ट्रीट नेम, पिन कोड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आ सकती है। क्लियर है? अब डायग्राम कि अगर हम थ्रू बात करेंगे तो इस तरह से आएगा, ये मेरा स्टूडेंट हो गया और जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या क्या है, एड्रेस, नेम, एज, आईडी, ठीक है, और इनका रिलेशनशिप। तो इस तरह से जो है डायग्राम बनता है। क्लियर? अब आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट क्या क्या हैं ईआर मॉडल के। तो दोस्तों, अगर कंपोनेंट की हम बात करें तो जो मेरा ईआर मॉडल है अब ये तीन पार्ट में आ जाएगा। कि हमने बात की थी एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशन। ठीक है, ये हमारा तीन पार्ट में। अब एंटिटी में भी हमारा पार्टीशन है, इसका क्या हो गया, एंटिटी में वीक एंटिटी। ठीक है, एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो एट्रीब्यूट्स में हो गया की एट्रीब्यूट्स, कॉम्पोजिट,
मल्टी वैल्यूड, और चौथा डेराइव्ड। ओके, ये एट्रीब्यूट्स हो। और अगर हम अब रिलेशंस की बात करें, ठीक है, तो रिलेशंस मेरा पहला क्या रिलेशन आया, या तो वन टू वन होगा, ठीक है, या वन टू मैनी होगा, या मैनी टू वन होगा, और या फिर मैनी टू मैनी, ठीक है। दोस्तों ये एक बेसिक है, आप इसको लिख भी सकते हैं, और लिखेंगे तो अच्छा रहेगा, बाद में और क्लैरिटी भी आएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं एंटिटी की तरफ। बेसिकली एंटिटी क्या है? एन एंटिटी मे बी एन ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन और प्लेस। इन ईआर डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगल। तो अगर आपको याद हो, जब हम यहाँ बात कर रहे थे तो हमने इसको रेक्टेंगल से डिनोट किया, क्लियर है। कंसिडर एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन को कंसिडर कर लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट कैन बी टेकन एज एन एंटिटी, ठीक है। तो जैसे अगर हम एम्प्लॉय को एंटिटी मान रहे हैं, एम्प्लॉय, ठीक है, ये मेरा रेक्टेंगल बॉक्स हो, क्लियर है। वर्क्स फॉर, तो मैं डायमंड बना ले, और एक अलग एंटिटी क्या होगा, डिपार्टमेंट, ठीक है। अभी डायमंड वगैरह भी हम समझेंगे क्या है, फिलहाल हम कंसिडर कर रहे हैं जो रेक्टेंगल बॉक्सेस, क्लियर है। अब हमने जब एंटिटी की बात की थी तो हमने कहा था एक होता है हमारा वीक एंटिटी, हम बात करते हैं एक होता है हमारा वीक एंटिटी। एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अदर एंटिटी कॉल्ड अ वीक एंटिटी, ठीक है। इसको एक बार एक लाइन में लिख लीजिए, एन एंटिटी दैट डिपेंड्स ऑन अनदर एंटिटी, बोलते हैं वीक एंटिटी। द वीक एंटिटी डजंट कंटेन एनी की एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स ओन, द वीक एंटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल, क्लियर है दोस्तों। तो सिंगल रेक्टेंगल से एंटिटी और डबल रेक्टेंगल से, तो यहाँ पे हम एक लाइन में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो हो गया रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल, आप याद रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डबल रेक्टेंगल। दोस्तों पढ़ते टाइम तो चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन कई बार जब इम्प्लीमेंटेशन का नंबर आता है तब हम भूल जाते हैं। तो अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे ले लेते हैं, चलिए वीक एंटिटी का दोस्तों मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, ठीक है, जगह भी है यहाँ पर, सॉरी थोड़ा सा सिस्टम रिस्पॉन्स। ओके नाउ, तो देखिए दोस्तों, लेट सपोज लोन, हम लोन को मान लेते हैं एंटिटी, लोन एक एंटिटी है मेरा, और जो उसकी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो किस पर डिपेंड कर रही हैं, वो डिपेंड कर रही हैं उस लोन पर, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये भी अपने आप में एक एंटिटी होगी, बट ये एक वीक एंटिटी होगा। तो जब हम वीक एंटिटी को लिखेंगे तो हम डबल रेक्टेंगल बनाएंगे इस तरह, क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स। देखिए एट्रीब्यूट इज यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी, उसकी प्रॉपर्टी बताएगा। एक्लिप्स इज यूज टू रिप्रेजेंट एन एट्रीब्यूट, ठीक है, उसको हम एक्लिप्स से हम रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल आईडी मेरा हो गया, एज हो गया है, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर कह सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मेरा हो गया, नेम भी हो गया, ये सब मेरा क्या है, ये एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं किसके, एक स्टूडेंट्स के। तो जैसा हमने पहले देखा था, स्टूडेंट मेरा था, ये एक एंटिटी था, ठीक है,
ये मेरा फ़ोन नंबर हो गया, यहाँ पर मेरा एज हो गया बच्चे का, यहाँ मेरा नेम हो गया, ठीक है, और ये मेरा यहाँ पर आईडी हो, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, हमने और भी बातें की थी, एक हमने कहा था की एट्रीब्यूट्स के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर की एट्रीब्यूट्स, की एट्रीब्यूट की मैं बात कर रहा हूँ। की एट्रीब्यूट इज यूज टू रिप्रेजेंट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटिटी, इट रिप्रेजेंट्स अ प्राइमरी की। द की एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिप्स विद अ टेक्स्ट अंडरलाइन, ठीक है। वहां भी हम एलिप्स की बात कर रहे थे पहले भी, पिछली बार में हमने एट्रीब्यूट्स की बात की थी, एट्रीब्यूट हमारा एलिप्स से हो गया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसको अंडरलाइन कर देंगे की एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो एक वर्ड लिख लेते हैं यहाँ पर, ये क्या है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटी, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राइमरी की, क्लियर है। अब देखिए फिर से एग्जाम्पल इसको समझ लेते, ठीक है। ये मेरा स्टूडेंट हो गया है और यहाँ पर मेरा आईडी, यहाँ पर मेरा फोन नंबर, यहाँ पे मैंने एज लिख दिया है और यहाँ पर नेम, ठीक है। दोस्तों ये अब तक जितने भी हमने किए हैं, ये बीच में रेक्टेंगल एंटिटी और ये मेरे एट्रीब्यूट्स। लेकिन जब मैं की एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो टेक्स्ट है उसको मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो अगर किसी एट्रीब्यूट में टेक्स्ट अंडरलाइन है तो वो की एट्रीब्यूट्स कहलाए। होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, क्लियर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला है टाइप हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, ठीक है। एन एट्रीब्यूट दैट कंपोज्ड ऑफ मैनी अदर एट्रीब्यूट्स इज नोन एज कंपोजिट एट्रीब्यूट, द कंपोजिट एट्रीब्यूट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एलिप्स, वो हम कर ही रहे हैं, एंड दोज एलिप्स आर कनेक्टेड विद एन एलिप्स, और वो इलिप्स भी इलिप्स से ही कनेक्टेड होंगे, ठीक है। कंपोज्ड मैनी अदर एट्रीब्यूट्स, ओके। देखिए कैसे, देखिए मेरा नेम, लेट सपोज ये मेरा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है दोस्तों। इलिप्स से ही एट्रीब्यूट का मतलब इलिप्स आएगा, क्लियर है। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें कॉलम हो सकती हैं, आप कह रहे हैं फर्स्ट नेम हो, इसमें आता है मिडिल नेम, इसमें आता है लास्ट नेम, ठीक है। और ये किसका पार्ट है, ये तो इस तरह से इसका रिलेशनशिप, क्लियर। होप आपको समझ आया हो, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट है आता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। एन एट्रीब्यूट कैन हैव मोर देन वन वैल्यू, मोर देन वैल्यू, ओके। दीज एट्रीब्यूट्स आर नोन एज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, द डबल ओवल इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स, ओके, क्लियर।
अब देखिए केस हमारा कहाँ हो सकता है, पहले तो समझिए ये रिप्रेजेंट कैसे करता है। तो रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया ये डबल ओवल, ओके थोड़ा सा बेटर बनाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये डबल ओवल से रिप्रेजेंट, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने बता ही दिया है, यहाँ भी आपको क्लियर बता दिया है, ठीक है, ओके। देखिए अब एग्जांपल की बात करते हैं, तो एक स्टूडेंट है तो जो उसके फ़ोन नंबर है वो मल्टीपल हो सकते हैं। अगर मैं बात करूँ फ़ोन नंबर है मेरा, उसके पास एक से ज़्यादा फ़ोन नंबर हो सकते हैं, तो इस ये केस हमारा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट का आ गया, क्लियर है दोस्तों। अब एक और आता है डेराइव, अगर हम बात करें यहाँ पे मेरा है डेराइव्ड एट्रीब्यूट, एन एट्रीब्यूट दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अदर एट्रीब्यूट इज नोन एज डेराइव्ड एट्रीब्यूट्स, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय डैश्ड एलिप्स, ठीक है। डैश्ड एलिप्स इसका मतलब ये होता है दोस्तों इस तरह से, ये आपका ये डैश्ड एलिप्स होगी, ठीक है ना, इसको हम लिख देते हैं क्लियर। अब जैसे क्या ऐसा क्या हो सकता है, अ पर्सन एज चेंजेस ओवर अ टाइम एंड कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट्स लाइक डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसका रिलेशनशिप हम कैसे बनाएंगे, ये मेरा ऐसा व्यक्ति था, स्टूडेंट क्या है दोस्तों स्टूडेंट है मेरा एंटिटी, क्लियर है। तो इसको किस में रखेंगे हम, रेक्टेंगल में रखेंगे। यहाँ पर मेरा बर्थ डेट मेरा क्या है, बर्थ डेट मेरा है एट्रीब्यूट, तो इसको एलिप्स में रखेंगे। नेम मेरा क्या है, नेम भी मेरा एट्रीब्यूट है, ठीक है। इसी तरह से रोल नंबर क्या है, रोल नंबर भी मेरा एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर क्योंकि ऑलरेडी डेट ऑफ बर्थ हमें पता है, तो उस डेट ऑफ बर्थ से हम उसका एज ड्राइव कर सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर जो अब एज आ जाएगा वो मेरा क्या हो गया, डेराइव्ड एज, तो ठीक है ये मेरा हो गया है डेराइव्ड एट्रीब्यूट, और ये मेरे सब क्या हैं, ये मेरे हैं एट्रीब्यूट, ये मेरा क्या है एंटिटी, ठीक है, ये मेरा क्या है एट्रीब्यूट, ये मेरा क्या है एट्रीब्यूट, क्लियर है दोस्तों। तो होप आपको ये क्लैरिटी आई होगी, ठीक है।